आग लग गई। ट्रक में लदे सिलेंडर में एक एक कर ब्लास्ट होने लगा। घटना से आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया। सूचना पर मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची। आग लगने से हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इस बीच चीन के खिलाफ जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और तमांग झड़प से गुस्साए लोगों ने चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की और वो गुस्से से इस कदर भरे दिखे कि उन्होंने चीन के झंडे वाले पोस्टर जला दिए। साथ ही चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं के हाथों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर भी दिखी, जिस पर उन्होंने अपना गुस्सा निकाला और हाथों में तिरंगा लिए चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि वो बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे सबक सिखाए। उसको बताना होगा कि जैसे एक बालाकोट हुआ था अब दूसरा गलवान होगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन के घुसने की कोशिश के बाद इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर जुटकर प्रदर्शन किया।